वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोगों ने देखा कि डेवलपमेंट गोल्स क्या है, ठीक है। और डेवलपमेंट गोल्स के लिए हमारा 20 होता है कि हम लोग डिफरेंट थिंग्स को, इनकम को गेन करें, और उस इनकम या थिंग्स या हमारा फूड है, क्लॉथ है, या फिर हमारा शेल्टर है, उसके लिए रिसोर्स का ज़रूरत होता है। वो रिसोर्स हमको नेचर से मिलता है और नेचर में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो उस रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके ही हम लोग खुद को डेवलप करते हैं, चाहे वह हमारा इनकम हो, ठीक है, और या फिर अदर गोल्स हो, उसमें किसी न किसी बेस पर रिसोर्सेज जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट जो है क्वेश्चन है, जो आप लोग को पढ़ना इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी में आप इसको पहले पढ़ चुके हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। एक बार फिर से इसको रिकॉल कीजिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम लोग वैसा डेवलपमेंट को कहेंगे जो प्रेजेंट डेवलपमेंट आप कर रहे हैं वो फुलफिल करे, और फ्यूचर के डेवलपमेंट को भी जो है मेंटेन रखे, ठीक है। डेवलपमेंट्स दैट मीट्स द डिमांड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूचर जनरेशन, वैसा डेवलपमेंट जो फ्यूचर के डेवलपमेंट को कंप्रोमाइज भी ना करे और आपका डेवलपमेंट भी मेंटेन रखे, ठीक है। तो ये जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें जो है एक स्टेटमेंट दिया कि वी हैव नॉट इनहेबिटेड द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स जिस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, ये जो मकान है, बड़े बड़े एरोप्लेन, बड़े बड़े फैक्ट्रीज और आपका बिल्डिंग्स नजर आते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड जिसमें आज हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, वी हैव बॉरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन। तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है जो पास्ट में जो डेवलपमेंट हुआ उसी का जो है आपका ये जो दिख रहा है, जो अपीयर्स हुआ है, उसका रिजल्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है, ये जो है आपका डिफरेंट थिंकिंग है। रियलिटी तो ये है कि आप इसको जितना बना रहे हैं, डेवलपमेंट को आप जिस हाई लेवल तक आप ले जा रहे हैं, तो रिसोर्सेज को आप वह यूज कर रहे हैं, वह यूटिलाइज कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो आपके बच्चों हैं, आपका जो फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए ये रिसोर्सेज जो है डिप्लेट हो जाएगा, ठीक है। इस स्टेटमेंट्स को कभी कभी जस्टिफाई करने के लिए एग्जाम में देता है आपको, ठीक है। तो इसको आप याद रखिएगा कि ये जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। इसका मतलब है कि द वर्ल्ड इन विच टुडे वी आर सर्वाइविंग इज नॉट इनहेरिटेड फ्रॉम आवर फोर फादर्स, इज नॉट द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस डेवलपमेंट्स, अदर देन वी आर बोरोइंग इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रेन और आवर फ्यूचर जनरेशन, बिकॉज वी आर ओवर यूजिंग द रिसोर्सेज दैट इज टू बी यूज बाई आवर फ्यूचर जनरेशन। तो ये जो है आप स्टेटमेंट्स को प्रॉपरली जो है कम से कम 5 पॉइंट्स में जो है इसको जस्टिफाई करने का कोशिश कीजिए। अब देखिए हम फिर से आते हैं रिसोर्स पे, क्योंकि जो डेवलपमेंटल गोल्स है वो अल्टीमेटली रिसोर्स से फुलफिल होता है। हमने देखा कि नेचुरल रिसोर्स जो है कई पार्ट में उसको हम लोग क्लासीफाई किए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को सिर्फ दो ही पार्ट देखना है, एक हुआ जो अवेलेबल रहेगा और एक हुआ जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उस बेसिस पे हमने बांटा था नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसा रिसोर्सेज है जो आपका रिन्यू होते रहता है, जैसे आपका वाटर है, सनलाइट है, सॉइल है, प्लांट्स है, ठीक है। लेकिन इस केस में भी कुछ वैसा रिसोर्स है जिसको अगर हम लोग ओवर यूज करें, ओवर यूटिलाइज करें, ठीक है, तो वह जो है फिनिश हो सकता है, क्योंकि उसका जो रिप्लेनिशमेंट का रेट है, जो आप ये जो रिसोर्सेज है वो नेचुरल प्रोसेस से रिप्लेनिश होता है, ठीक है। लेकिन अगर रिप्लेनिशमेंट का रेट है, अगर यूटिलाइजेशन के रेट से कम हो, तब यह भी रिसोर्स जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इन दिस केस क्या होता है कि वी आर ओवर यूजिंग दैट रिसोर्स। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या कर रहे होंगे उस रिसोर्सेज को ओवर यूज कर रहे होंगे। तो दो एग्जांपल जो दिया हुआ है आपके बुक में, ठीक है, वह है आपका एक ग्राउंड वाटर का, दूसरा है क्रूड ऑयल का, हम सीधा पेट्रोलियम लिख दिए। तो अगर ग्राउंड वाटर को अगर आप देखते हैं तो इंडिया में जो है ग्राउंड वाटर का ओवर यूज बढ़ गया धीरे धीरे। कैसे बढ़ गया है,
आप देख सकते हैं कि इंडिया में 300 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहाँ जो है ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया है, ठीक है। उस कहीं कहीं तो 40% 50% जो है नीचे चला गया है, ठीक है। कुछ दिन में ऐसा होगा जो है आपका अगले 20 से 25 साल में 60% ऑफ जो वाटर है उसको हम लोग जो है ओवर यूज कर रहे होंगे, ख़त्म हो चुका होगा। तो यहाँ पर देखिए ग्राउंड वाटर का मेनली हम लोग यूज क्या करते हैं, तो देखिए खाने पीने में तो करते ही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज में आपका वाथिंग है, आपका फूड है, पोर्टेबल वाटर के रूप में यूज होता है। इसके अलावा इरीगेशन, आपका जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसमें भी हम लोग ग्राउंड वाटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन यह जो है ओवर यूज हो रहा है, तो ओवर यूज कैसे हो रहा है वो उसका रीजन क्या है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है कि ओवर यूज अगर आप ग्राउंड वाटर करें तो उसका क्या रीजन है। तो एक तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है उसका नीड भी बढ़ रहा है, तो इसके कारण जो है ग्राउंड वाटर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा खींचते जा रहे हैं। जबकि रिप्लेनिशमेंट जो है, जो मेनली रेन करता है रिप्लेनिशमेंट, वो उस रेट से हो नहीं पा रहा है। इसके अलावा पॉपुलेशन बढ़ने से डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स बढ़ रहा है, आपका एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बढ़ रहा है, ठीक है। आपका ग्रीन रिवोल्यूशन आया, उसमें जो है आपका इरीगेशन का ज़्यादा जरूरत होता है, इसके कारण जो है आपका वाटर ओवर यूज हो रहा है। बहुत सारा वैसा स्टेट्स है इंडिया में, जैसे आपका पंजाब हो गया, वेस्टर्न यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, जहाँ वाटर ओवर यूज हो रहा है, ठीक है। ऐसा बात नहीं है, बहुत उस स्टेट में ऑलरेडी जो है वाटर्स का जो है स्कार्सिटी है, ठीक है। वाटर्स को जो है आपका रिवर प्रोजेक्ट, रिवर पे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, डैम ये सब बना करके डिमांड्स को फुलफिल किया जा रहा है। सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया जो मेनली प्लेट्यू लैंड है, जहाँ वाटर का स्कार्सिटी है ना, वहाँ भी जो है ओवर यूज का हमको प्रॉब्लम देखने में आ रहा है। हालांकि इंडिया का बहुत सारा ऐसा पार्ट है जहाँ वाटर जो है वेस्ट हो जा रहा है, जैसे आप देखते हैं आसाम में, नॉर्थ बिहार में फ्लड के कारण जो है गांव लोग डूब जाता है। एक तरफ तो लोग बिना पानी के डूब रहा है, एक तरफ पानी में डूब रहा है। तो ये जो है रीजन है ओवर यूज का। तो इसका जो क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ग्राउंड वाटर जो डिप्लेशन हो रहा है, ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? पॉपुलेशन कंट्रोल, आपका जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कंजर्वेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, ऑप्टिमम यूज, ये सब जो है आपका इसका सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। आप उसी तरह से देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है, उसमें आपका क्रूड ऑयल आपको दिया हुआ है कि क्रूड ऑयल का स्टॉक जो है धीरे धीरे वर्ल्ड में खत्म हो जा रहा है। पहले देखिए हम लोग कोल को यूज करते थे एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए, उसके बाद पेट्रोलियम आया तो एकदम वर्ल्ड जो है बिल्कुल चेंज हो गया। हवाई जहाज और क्या क्या जो है सब पेट्रोलियम और इसके जो है एलिट प्रोडक्ट जो है आपका डीजल केरोसिन ये सबसे चलने लगा। तो वर्ल्ड में अगर क्रूड ऑयल का स्टॉक देखें तो मिडिल ईस्ट में जो है आपका इतना मिलियन बैरल है, ठीक है। और ये जो है आपका 78.1 ईयर्स में लगभग जो है आपका फिनिश हो जाएगा। यूएसए में जो 44.2 बिलियन बैरल्स है, और ये जो है आपका 12.1 ईयर्स में ऑलमोस्ट जो है डिप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर वर्ल्ड का अगर हम देखते हैं तो यह जो है 53.3 ईयर में आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आप अनुमान लगाइए कि ये सब जो है अगले कुछ साल में फिनिश हो जाएगा, तो हमारा जो ट्रेन है, हमारा जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, वो सब कैसे चलेगा, क्या हम लोग जी पाएंगे? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हम लोग नहीं जी पाएंगे तो क्या इसका यूज करना बंद कर दें, या फिर इज देयर एनी सॉल्यूशन टू रन आवर लाइफ विदाउट द यूज ऑफ दिस क्रूड ऑयल? ये जो है क्वेश्चन है, ठीक है, कि आने वाले समय में जब ये खत्म हो जाएगा तो हमारा जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमको ढूंढना पड़ेगा, इसको जो है हम लोग कुछ ऐसा प्लान करना पड़ेगा कि ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक चले। तो ये प्लान जो है हम लोग कैसे कर सकते हैं, नया रिसोर्सेज, जिस तरह से पेट्रोलियम नहीं था, ठीक है, आपका 18th century 19th century में जब पेट्रोलियम का डिस्कवरी हुआ और पूरा जो वर्ल्ड को चेंज करके रख दिया, तो उसके पहले कोल था मेन सोर्स का। उसी तरह से हम लोग न्यू रिसोर्सेज को डिस्कवर करें, जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका सस्टेनेबल और ऑप्टिमम यूज करें। कंजर्वेशन पर जो है हम लोग जोर देंगे, उसके बाद जो है उसके ऑप्टिमम यूज पे जोर देंगे, ठीक है। हम लोग
वैसा यूज करेंगे ताकि यह जो फ्यूचर जेनरेशन के लिए जो है आपका बचा रहे। तो ये टॉपिक था आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम लोगों ने कई एक जो है मेन मेन टॉपिक देखा, जिसमें आपका डेवलपमेंटल गोल्स था, डेवलपमेंट गोल्स में इंडिविजुअल गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, इस दोनों को देखा कैसे दोनों डिफरेंस है। जब हम लोग इंडिविजुअली सोचते हैं तो हमारा एम क्या होता है, हमारा डेवलपमेंटल गोल्स क्या होता है। जब हम लोग नेशनल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं तब हमारा एम क्या होता है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि डेवलपमेंटल गोल जो है कंफ्लिक्टिंग हो सकता है, एक पर्सन के लिए वो गोल हो सकता है, दूसरे पर्सन के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। उसी तरह से नेशनल डेवलपमेंट में भी आपका जो नेशनल डेवलपमेंट का गोल्स है डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है। उसके बाद हमने देखा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट को और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को। इसमें हमने देखा कि डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट को एनालाइज करने के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया का यूज किया जाता है। और पहला क्राइटेरिया जो है वह है इनकम। वर्ल्ड बैंक जो है इनकम के बेसिस पे वर्ल्ड के कंट्रीज को आपका डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्लासिफाई करता है। और लेकिन हम लोगों ने यूएनडीपी देखा कि वह इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया को यूज करता है वर्ल्ड के कंट्रीज को क्लासिफाई करने के लिए, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने देखा सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बताया जाता है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वह डेवलपमेंट जो है कब तक लास्ट करेगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे लिए भी क्वेश्चन है कि जो डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं वह हम लोग को कहाँ लेके जाएगा। तो और उसके बाद हमने ये भी देखा कि जो आने वाले समय में हो सकता है ये सब रिसोर्सेज फिनिश हो जाए तब हमारा गोल क्या होगा, ठीक है। तो डेवलपमेंट का क्वेश्चन जो है वह एक डायनेमिक है, पेरेनियल है, कंटिन्यूअस है ना। हर एवरी टाइम एवरी मिनट जो ये चेंज होता है, जैसे जैसे वर्ल्ड चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपका डेवलपमेंटल गोल्स, डेवलपमेंटल आइडिया भी चेंज हो रहा है। और ये डिपेंड करता है आप पे कि आप जो है अपने वर्ल्ड को कहाँ लेकर जाना चाहते हैं। तो यही मेन इश्यूज है डेवलपमेंट में। हम इसका क्वेश्चन जो है देखेंगे आपका बाद में, क्वेश्चंस को डील करेंगे। आप लोग क्वेश्चंस का आंसर बनाइए और आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए और उसको एक जो है मेमोराइज करने का नहीं समझने का कोशिश कीजिए कि ये जो है आपकी लाइफ से रिलेटेड है। तो जब इस हर क्वेश्चंस को अपने लाइफ से रिलेट कीजिएगा, अपने सोसाइटी से रिलेट कीजिएगा, तब जो है आप एक बेटर आंसर प्रिपेयर कर पाइएगा, ठीक है। थैंक यू।